एयरपोर्ट्स पर आज से 5G इंटरनेट सर्विस लागू हो गई है। इसकी वजह से एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया के अलावा ऑल निप्पॉन एयरवेज, जापान एयरलाइंस ने भी यूएस की फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी हैं। विमानन कंपनियों का मानना है कि 5G से विमानों को खतरा है, लेकिन क्यों और कैसे, देखेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर आज से 5G इंटरनेट सेवा लागू हो रही है। इसका सीधा असर भारतीय उड़ानों पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया आज अमेरिका जाने वाली कई उड़ानों का संचालन नहीं कर पाएगी, इसकी जानकारी खुद एयर इंडिया ने दी है। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया कि वो बुधवार को दिल्ली JFK दिल्ली और मुंबई EWS मुंबई उड़ानें संचालित नहीं कर पाएगी। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी लागू होने की वजह से विमान के इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में जाने से रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसे में विमानों के लिए लैंड करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि स्थानीय सरकार पूरे देश में 5G लगाए, लेकिन इसे एयरपोर्ट की रेंज से दूर रखा जाए। इसके बारे में एविएशन रेगुलेटर FAA को पत्र लिखकर चिंता भी जताई गई है। यूएस आधारित एयरलाइंस ग्रुप ने एक लेटर लिखकर कहा है कि 5G की वजह से भयंकर विमानन संकट आ सकता है। इस ग्रुप में यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिका एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और फेडेक्स शामिल हैं। बता दें कि एयर इंडिया के अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस भी अमेरिका और भारत के बीच उड़ान भरती हैं। FAA ने कहा कि उसने कुछ 5G वाले इलाकों के भीतर ट्रांसपोर्ट को काम करने की छूट दी है। 5G के सी बैंड से प्रभावित होने वाले 88 एयरपोर्ट में से 48 के पास नई तकनीक को हरी झंडी दी गई है। एयरलाइंस को चिंता है कि इन एयरपोर्ट में अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट से हजारों उड़ानें ठप हो सकती हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा कि मौजूदा 5G के कारण साल भर में 15,000 उड़ानें और 12,50,000 यात्री प्रभावित होंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।